मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता जमकर जुलूस रैली निकाल रहे हैं। वहीं शाजापुर के एक निर्दलीय पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निर्दलीय पार्षद के समर्थक विवादित नारे लगा रहे हैं। बता दें कि शाजापुर में 17 जुलाई को नगर पालिका के लिए मतगणना के बाद विजयी पार्षद की रैली निकाली गई थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इस घटना का विरोध करते हुए बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली और एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी जगदीश डाबर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें कि आईटीआई परिसर में जैसे ही वार्ड नंबर 4 से एसडीपीआई के उम्मीदवार समीर उल्लाह खान के विजयी होने की जानकारी लगते ही वहाँ बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हो गए और बैंड बाजों के साथ पार्षद को बग्घी में बिठाकर पूरे शहर में जुलूस निकालने लगे। इसी दौरान विजय रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद का विजयी जुलूस पुलिस की उपस्थिति में निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। हालांकि पुलिस द्वारा एसडीपीआई के उम्मीदवार समीर उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है।